आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन एमएस एक्सेल। ये मेरे पास कुछ डाटा है जो मैंने रैंडम ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं इनका स्टॉक 15 से कम हो तो यहाँ पर ये रेड साइन एक शो करवा दे, यानी कि वार्निंग का साइन शो करवा दे कि आपका प्रोडक्ट यानी कि आपका स्टॉक 15 से कम है। तो हम इस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करनी है, आपने जिसके ऊपर कंडीशन लगानी है आप उस कॉलम को सेलेक्ट कर लें या उस रो को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद होम के अंदर आना है अपने, इसके अंदर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है न्यू रूल, न्यू रूल पे क्लिक करें और ये लास्ट वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन है यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, यानी कि एक फार्मूला हमने यूज़ करना है जो हमारी कंडीशन को अप्लाई करे। अब फार्मूला क्या पुट करना है, सबसे पहले हम करेंगे इज इक्वल टू करने के बाद हमारा जो कॉलम है वो है जी कॉलम है और रो कौन सी है, फिफ्थ रो है, यानी कि जिससे हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट करनी है, फिफ्थ रो है जी कॉलम है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा जी फाइव प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं डॉलर साइन को रिमूव कर दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको सेल को लॉक नहीं करवाना। G5 और यहाँ पर मैं अब लिखूँगा लेस देन 15 कि जब मेरा स्टॉक 15 से कम हो, यानी कि G5 ये मेरा डाटा जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जब मेरा डाटा यानी कि स्टॉक 15 से कम हो तो यहाँ पर फॉर्मेट लग जाए, रेड कलर शो करवा दे वहाँ पे कि आपका स्टॉक 15 से कम है। ओके, ये देखिए अब जहाँ जब मेरा स्टॉक 15 से कम है उसने वहाँ पे रेड कलर लगा दिया, यानी कि एक वार्निंग शो करवा दी है कि आपका स्टॉक 15 से कम है। ये एक किस्म है कंडीशन फॉर्मेटिंग की। अब हम जो सेकंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे वो करेंगे अपनी सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर। वो किस तरह करनी है, अब हमने प्रोडक्ट के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे अपने प्रोडक्ट वाला कॉलम। हम अपने प्रोडक्ट वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद वैसे ही होम में जाना और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करके न्यू रूल यूज़ फार्मूला। अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखी है। क्या फार्मूला लिखाना है, इज इक्वल टू वैसे ही जहाँ से हमारा डाटा स्टार्ट हो रहा है, ये कॉलम है 19 रो है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको लॉक करना है, हमने अपने इस सेल को लॉक कर लेना। लॉक कैसे करेंगे, आपने डबल F4 प्रेस करना है, F4। तो ये देखते हैं डॉलर साइन आ गया, इसका मतलब है कि मेरा ये जो सेल है ये लॉक हो चुका है। अब हम प्रेस करेंगे इज इक्वल टू अगेन, किस डेटा के बराबर करना है आपने इसको, किस डेटा के इज इक्वल टू करना है, हमारी प्रोडक्ट के ऊपर। ये प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने इसको फॉर्मेट दे दिया कि वहाँ पर ब्लू हो जाए जो हमारी प्रोडक्ट है। ओके, ये देखें अब जो मेरी प्रोडक्ट है हैंड फ्री जो मैंने यहाँ पर एंटर की है, तो जो हमारी मेरी प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी हैंड फ्रीज हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी, यहाँ पर उनके ऊपर कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ मोबाइल, तो मेरी लिस्ट के अंदर जितने भी मोबाइल हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे अगेन चेंज करता हूँ, कोई और प्रोडक्ट का नाम लिखता हूँ, तो वो हाईलाइट हो जाएगी, ये आपके सामने है। एक ये है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग है वो है इंटायर डाटा के ऊपर, यानी कि मेरा जो ये इंटायर डाटा है मैंने इसके ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है अपनी प्रोडक्ट के थ्रू, ठीक है। ये मेरा इंटायर डाटा है और मैंने अपनी प्रोडक्ट की बेस पे पूरे डाटा की रो को, यानी कि एक पूरी प्रोडक्ट की रो को हाईलाइट करवाना है। तो उसके लिए कैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज़ होगी, हमने वैसे ही अगर आप इंटायर डाटा पे लिखाना है तो इंटायर डाटा ही सिलेक्ट करेंगे, हमने जितने हिस्से पे कंडीशन फॉर्मेटिंग करनी है आपने उतना हिस्सा, उतना कॉलम या उतनी रो सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद वैसे ही कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज़ अ फार्मूला। अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा, जो प्रीवियस एग्जाम्पल देखिए एज इट इज़, वैसे ही हम यहाँ पर फार्मूला वो यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू ए कॉलम 33 रो सिलेक्ट कर लिया, डबल F4 ताकि हम अपना सेल लॉक कर लें, इज इक्वल टू हमारी प्रोडक्ट, यानी कि हम जो भी प्रोडक्ट ऐड करें उस प्रोडक्ट की कंप्लीट रो को वो हाईलाइट कर दे। हाईलाइट हम करवा लेते हैं कुछ ग्रीन कलर का, ठीक है। ओके, ये देखें अब ये जो मोबाइल है, तो मोबाइल जितनी दफ़ा रिपीट हुआ है हमारी प्रोडक्ट के अंदर उसने उस तमाम रो को हाईलाइट कर दिया, ये बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, लाइक हैंड फ्री करता हूँ,
अब मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की है, ये देखें, हैंड फ्री मैंने अब अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड किया, तो मेरी लिस्ट के अंदर जितनी हैंड फ्री थी वो सारी हाईलाइट हो चुकी। तो यह कंडीशन फॉर्मेटिंग। मज़ीद मैं आपके लिए एडवांस, इससे भी एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग लेके आता रहूँगा, उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए।